तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग के जो स्टॉप स्पेल का इफेक्ट था वो हाइजी पे से फाइनली खत्म हो जाता है। वो मतलब नाम लेती है वांगलिंग का। इस दौरान अपना जो सी ड्रैगन था वो तो भाग चुका था, और वांगलिंग होता है वो जो फेस बन रहा उससे बैटल कर रहा था। अब आगे तो फिलहाल वो वांगलिंग के जो 99 अटैक्स थे जिन ब्लेड का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से वो फेस तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि वांगलिंग भी काफी पेन में था क्योंकि यिन ब्लेड इसकी बॉडी से कनेक्टेड, फ्लैश से कनेक्टेड है, और वांगलिंग बोलता है कि तुम मुझे सील करना चाहते थे। अब यहाँ पे जो लेयर्स ऑफ सील्स थे, सील एक ही नहीं था उसपे कई लेयर्स थे, वांगलिंग उन्हें देखता वो अभी भी था। और अब वो जो फेस पहले निकल रहा था वो नहीं निकल रहा, चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। बट वांगलिंग यहाँ से निकलता नहीं है, पहले देखता कि सोल आर्मर में कितना टाइम बचा है, कैलकुलेट वगैरह कर लेता कि आधा टाइम अभी भी है और ये काफी होगा। ये तुरंत ही जहां से अंदर गया था वो उस ब्लैक होल उसकी तरफ बढ़ जाता है, और जैसे ही बाहर निकल सी ड्रैगन इसके पास आ जाता है। काफी खुश था, मतलब बाहर दूर में थोड़ा वेट कर रहा था, और दोनों फिर निकल लेते हैं। वांगलिंग को पता था कि स्टॉप स्पेल का इफेक्ट तो खत्म हो चुका है। जैसे ये बाहर निकल रहा था एक गुस्से में आवाज आती है, ये जो ब्लू सी था इसका कलर मानो ब्लैक होने लगता है उस ऑक्टोपस बाबा की वजह से। और वांगलिंग बोलता है, देखो यार हाइजी तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो, हमारे बीच में कोई नफरत है नहीं, वो स्पिरिट तुम्हारा था भी नहीं, अब मुझे मजबूर मत करो। बट हाइजी बोलती, नहीं पूरा माउंटेन सी मेरा गुफा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम कभी भी आओगे और चले जाओगे। और एक टेक्निक यूज करती है, माउंटेन सी फॉर्मेशन। वैसे इस लेडी का नाम पहले हीटिंग हुआ करता था, लेकिन जब ये माउंटेन सी में इतने लंबे समय से रहने लगे तब जाके इसका नाम इंपीरियन एक्सॉल्ट हाइजे पड़ गया, जैसे कि वांगलिंग को लोग व्हाइट हेयर्ड इंपीरियन एक्सॉल्ट कहते हैं। फिलहाल पानी में से वो एक इंक जैसा कुछ तो निकलता और ऑक्टोपस के ऊपर बैठी हुई हाइजी आगे बढ़ती, और ऑक्टोपस तो मूड में था अब सी ड्रैगन से बैटल करने का। सी ड्रैगन भी अपना कुर्रे मारता है, दहाड़े मारता है, इनका अलग बैटल शुरू हो जाता है। और इधर हाइजी का वैसे भी वांगलिंग कोई हेटरेट तो था नहीं, 3 साल पहले जब वांगलिंग बैटल करने आया तो ये एक्चुअली में इंप्रेस हुई थी, बट इसके हार्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, और उस बैटल के बाद हाइजी भूल भी गई थी इसे। बट अभी वांगलिंग 3 साल बाद आया था और इसको 10-12 सांस के लिए रोक दिया था, वो बहुत बड़ा चीज था। और लेडीज का जैसा होता है कि मतलब ज्यादा उनको एम्बेरसमेंट लगता और गुस्सा भी हो जाती, तो सेम इस लेडी के साथ था। अगर वांगलिंग इसे प्यार से मांगता था ना, नहीं यार हाइजी मुझे चाहिए, वो ऐसा दे दो मुझे, वो स्पिरिट तो ये दे भी देती, किसका स्टेटस भी काफी नोबल था, तब बड़े घराने से आती थी। बट वांगलिंग ने इसे ऐसा 10 सांस रोक के फिर लेने गया था उस चीज को, इसलिए इसको और गुस्सा आ रहा था। अब जब ये आगे बढ़ती तो वांगलिंग भी फिर से 97 आफ्टर इमेजेस बनाता और इसकी तरफ बढ़ जाता है। वांगलिंग टोटल 98 वॉर स्प्रिट प्रिंट बना करके इसकी तरफ पढ़ा देता है। हाइजी के आसपास ब्लू लाइट चमकता है और एक घंटा प्रकट होता है, और उस घंटे में से एक चिड़िया निकलती है जो 70 बार अपने पंख को फड़फड़ाती। बेसिकली 70 स्पेल्स अब इसके वांगलिंग के वॉर स्प्रिट प्रिंट की तरफ पढ़ते हैं। और उस दौरान हाइजी बोलती कि मेरा लाइफ मेरे फेट को फॉलो कर, फर्स्ट आओ, और एक अंडाकार सील प्रकट होता है। इसी में जो 70 स्पेल्स थे वो समाहित हो जाते, यानी मिल जाते। इस दौरान ये रुकती नहीं, फिर बोलती है कैन डिफाई द हेवन, मतलब हेवंस को डिफाइन नहीं कर सकती, ये मेरा सेकंड आओ है। हालांकि इस दौरान इसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ने लगा, इस स्पेल को यूज करना थोड़ा ज्यादा कठिन, 70 स्पेल्स में 26 बार ये मतलब कुछ हाथ फेरती, फ्यूजन होकर 96 स्पेल्स बन जाते। वांगलिंग का वर्स प्रिंट, तो जब ये दोनों स्पेल्स का कोलिजन होता है, मतलब जब वांगलिंग का वॉर स्प्रिंट प्रिंट उस ब्लू बर्ड से टकरा तो ब्लू बर्ड तो कोलैप्स कर जाती, फिर से बेल में बदल जाती। वांगलिंग का बचा हुआ वॉर स्प्रिंट प्रिंट आगे बढ़ता है और जो उस लेडी ने सील्स बनाए जैसे उसे टच करता है इसके स्पेल्स। वांगलिंग हैरान हो जाता है, वो जो ओवल सील इस लेडी ने बनाया उससे ये खतरा फील करता है वांगलिंग। अब वांगलिंग अपने सर को आगे करता, फिर से 97 आफ्टर इमेजेस बनते, और जैसे सांड होते ना मुंडी से मारते हैं आगे जो सिंग रहता है इसे, कुछ वैसा वांगलिंग अटैक। इसे बोलते हैं हेवनली बुल चार्ज, इससे इवन डेविल डाउसेट के ओल्ड एंसेस्टर भी डर गए थे। पीछे में हेवनली बुल का शैडो भी बनता और टोटल 98 स्पेल्स में मिक्स थे, जिससे कि ये ओवल सील पर अटैक करता है। इधर ये बैटल कर रहे हैं, नीचे में एक स्ट्रेंज सीन हो रहा था, वो जो ब्लैक होल था वहां पर वांगलिंग ने जहां पर वो फेस को डिस्ट्रॉय किया था नीचे में जाकर के, वहां पर घोस्टली लाइट चमकता, इसके अंदर एक अलग ही फेरोसिटी, एक अलग ही खून की प्यास थी, खतरनाक ऑरा थी। मतलब इवन ये ऑरा को न तो वांगलिंग नोटिस कर पाता है न तो हाइजी जो भी बैटल कर रहे हैं। इधर वो लाइट और ज्यादा पड़ती है, लाख के आसपास उसमें रेसे दिखाई दे रहे थे, वो फ्यूज हो रहे थे। इस बार फेस उस नहीं बनती, एक हथेली बन पाम अटैक, बट टूटा हुआ पाम अटैक, मतलब उसमें पीछे का पार्ट नहीं, इसलिए इसे ब्रोकन पाम अटैक कहते हैं। ये पाम पहले बड़ा बनता है फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, बट इसके बीच में पाम के बीच कुछ मार्किंग्स दिख रही थी, और फिर से वही आवाज आती है, नॉन इमोर्टल सोल, इनको सील करना है। ये हथेली अब उस ब्लैक होल से बाहर निकलती, और वांगलिंग अभी भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया था। फिलहाल ऊपर का जो सरफेस से उस ब्लैक इंक ने तो सील कर दिया कि हाइजी का फॉर्मेशन था, और उस लेडी का जो अटैक था वो वाला उसे वांगलिंग रेजिस्ट कर लेता है हेवनली बुल चार्ज से। कोलिजन इतना खतरनाक कि ऐसा लग रहा था समुद्र दो भागों में बढ़ जाएगा, और हाइजी थोड़ी पीछे चली जाती रिबाउंड फोर्स की वजह से। यह स्पेल इसके टीचर ने सिखाया था, इसको अभी पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाई थी, और नॉर्मली स्पेल काउंटर करने वाले बहुत कम लोग जो एक इंपीरियन एक्सॉल्ट और काउंटर करते, बट वांगलिंग था। हालांकि इसका हेवनली बुल कोलैप्स कर जाता और सोल आर्मर अब गायब होने लगता। वांगलिंग जब पीछे हट रहा था इस कोलिजन के थोड़ा, फिर से थोड़ा समय तो था इसके पास, 97 आफ्टर इमेजेस यूज करता और हाइजी की तरफ इशारा करके बोलता है स्टॉप। हाइजी पर इसने फिर से मतलब दोबारा एक तरह से स्टॉप स्पेल यूज किया था। हाइजी बोलती वांगलिंग तुम
लेकिन पूरा बोल नहीं पाती क्योंकि स्टॉप स्पेल काम करने लगता, क्योंकि स्टॉप स्पेल ने इसे रोक दिया, तरह से समुद्र में डूबने लगती, लेकिन इस बार पूरी तरह से नहीं रुकती, ओरिजिन सोल बस रुकता है। इसकी आंखें विचार अभी भी चल रहे, वांगलिंग इधर भाग रहा था, लड़की को और गुस्सा आता है, अगर इसका मुंह वगैरह हिलता का ये दांत पीस रही होती, मतलब गुस्से में। वांगलिंग भी जानता था अगर ये वांगलिंग को रोक रही तो इस लेडी के पास भी अपना प्लान होगा, इसलिए स्टॉप स्पेल यूज करके निकल रहा था यहाँ से। अब वांगलिंग ऑक्टोपस की तरफ पड़ा, तो एक लत्ती मारूंगा और फिर अपने सी ड्रैगन को लेकर निकल जाऊंगा। पर जब ये देखते हैं हाइजी की तरफ, मतलब इसका डिवाइन सेंस ऐसे ही फैलता जो कि पानी में डूब रही, ये चौंक जाता है। ये लेडी ब्लैक होल के काफी करीब थी और स्टॉप स्पेल की वजह से ये कुछ कर नहीं सकती। ब्लैक होल के आसपास में वांगलिंग पावर फील करता, रिपल फील करता, बट उसे देखा नहीं जा सकता था। लेकिन वो आवाज फिर से सुनाई देती कि नॉन इमॉर्टल एस्ट्रल सोल सील। वांगलिंग हैरान था, यार ये इसको तो मैंने डिस्ट्रॉय किया था, उसे पता था वो फेस कितना पावरफुल था। ये भागने को सोचता फिर रुक जाता, उधर वो हाइजी भी उस फ्लक्चुएशन को फील कर चुकी थी, तो दिखता भी हल्का हल्का एक शैडो इसकी तरफ पड़ रहा है, जिससे इसको भी थोड़ा सा डर लगता कि जब पावर आपसे भी स्ट्रॉन्गर हो वो आप फील कर सकते हो अगर आप कल्टीवेटर हो। स्टॉप स्पेल की वजह से अपने पावर को भी यूज नहीं कर सकती थी पहली बार, मतलब इंपेरियन एक्सॉल्ट हाइजी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है वो वीकनेस फील करती है, डर फील करती, कोशिश करती कि स्टॉप स्पेल से फ्री कर सके खुद को। वांगलिंग चाहता था यहां से निकल सकता क्योंकि हाइजी फंसी हुई थी, वो अटैक आ रहा था, हाइजी उसे काउंटर करेगी तक ये निकल चुका होगा। लेकिन वांगलिंग थोड़ा सा अलग आदमी था, अगर इसके किसी से दुश्मनी ना हो वो किसी को परेशान नहीं करता, और वो समझता है यार ये लड़की का ही गुफा तो ऑब्वियसली इसे गार्ड करेगी, और वांगलिंग अगर ऐसा करता निकल जाता, एक तरह से ये अपने साथ न्याय नहीं करता, जिसका तरीका है बचने के चक्कर में निकल गया, वैसा वांगलिंग था नहीं कभी। वांगलिंग अब उस तरफ बढ़ जाता जिधर हाइजी थी, इसको देखती और चौंक जाती है। वांगलिंग तेजी से बढ़ता लेकिन वो ब्रोकन पाम जो था वो ज्यादा फास्ट था, वांगलिंग 400 फीट के रेंज में था और वो 300 फीट के रेंज में आ चुका था, और ब्रोकन पाम के जो पांचों फिंगर हाइजी की तरफ से, ये जो पाम था वो मानो हाइजी को डिवोर करना चाहता, मतलब अपने मुट्ठी में ऐसा बंद कर लेना। और वांगलिंग टेलीपोर्टेशन यूज नहीं कर सकता था क्योंकि हाइजी ने इस पूरे एरिया को सील किया था, वो जो ब्रोकन पाम वो हाइजी को डिवोर ही करने वाला था, बट वांगलिंग इस तरफ के 5 स्पेल विंस थे उन्हें यूज करता है, मतलब वो बहुत तेजी से रोटेट करने लगते, तो वांगलिंग का स्पीड बहुत बढ़ जाता, बहुत फास्ट ये मूव करता है। 98 आफ्टर इमेजेस प्रकट होते हैं साथ में वांग, 99 टोटल, एक एक्स्ट्रा मतलब इस बार ये शैडो बनता है इसका। ये था वांगलिंग का एक्चुअल स्पीड, जब ब्रोकन पाम हाइजी से 3 फीट की दूरी पे था, पावरफुल फोर्सेस था, ये बीच में मानो एंटर करता और हाइजी को दूर फेंक देता, हाइजी देखती कि वो वांगलिंग था, उस दौरान ये रिकवर कर जाती थोड़ा। अब इस साथ में वांगलिंग का जो राइट हैंड था वो यिन ब्लेड में बदलता, ब्रोकन पाम पर अटैक करता है, और जो ब्रोकन पाम हाइजी को छोड़कर अब वांगलिंग को अपना टारगेट बना लेता है, सेम वही चीज बोलता कि नॉन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के सोल हो तो मैं सील करूंगा। लेकिन वांगलिंग इस पर अटैक करता लेकिन उसके फोर्स की वजह से ये थोड़ा दूर जाके करता है, लेकिन पीछे से कोई इसे संभालता है, वो थी हाइजी, और यिन ब्लेड की वजह से ब्रोकन पाम 2 भागों में कट जाता है, बट गायब नहीं होता, फिर से दोनों मिल जाते हैं भागों में जो बटा था, और वांगलिंग और इस लेडी को ये हाथ फिर से फॉलो करने लगता है, और ब्रोकन पाम का स्पीड पहले से ज्यादा पड़ चुका था। अब वांगलिंग फिर से एक पंच मारता है और हाइजी फिर से ओवल सील का यूज करता, मतलब 90 स्पेल्स मिक्स करके ब्रोकन पाम इन दोनों के अटैक की वजह से कोलैप्स कर जाता है, घोस्टली लाइट में बदलता है, अलग अलग रेसो टाइप में लाइट में वांगलिंग के लेफ्ट हैंड में एंटर करने लगता है। वांगलिंग एक अलग ही पेन फील करता, पूरी इसकी बॉडी ऐसा कांप जाती है। वांगलिंग के लेफ्ट हैंड पर एक ग्लव्स टाइप बन ब्लैक कलर का, उसका लेफ्ट हैंड पूरा काला पड़ने लगता है, धीरे-धीरे फैलने लगता है। हाइजी भी जब ये देखती तो वो डर जाती है, और ऐसा लग रहा था वांगलिंग को लेफ्ट हैंड इसका है ही नहीं, धीरे धीरे ये पूरे बॉडी को इसके कवर कर लेगा, ये ऑरा वांगलिंग के साथ मिक्स नहीं हो पा रही, जैसे फायर और वाटर मिक्स नहीं हो सकते। वांगलिंग को आता है कुछ यिन ब्लेड जो किसके राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को काट देता, लेकिन जो उसका हाथ कट के करते में से फिर से वो ऑरा वांगलिंग पर चार्ज करता, सेम वही डायलॉग बोल के। इधर हाइजी को टाइम मिल गया, एक जेड निकालती, उसे क्रश कर देती, जिसमें से डार्क ब्लू ऑरा निकलती जो वांगलिंग और इसको घेर लेती, और आसपास में लाख फीट के रेंज में एक बैरियर बन जाता जिसमें सी ड्रैगन और ऑक्टोपस भी रहते हैं। ये जो ब्रोकन पाम अटैक था, ब्रोकन पाम इनके लाइट कर्टेन बैरियर बनाया था हाइजी ने, लगातार लेकिन अटैक करते रहते, लेकिन इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। वांगलिंग एक साइड में बैठा, उसकी आंखें बंद थी, सी ड्रैगन इसके आसपास था, दूसरी साइड में हाइजी बैठी, उसके पास में ऑक्टोपस था जो कि सी ड्रैगन को घूर रहा था। हाइजी वांगलिंग की तरफ देख रही, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि जब से वांगलिंग ने वो पाम अटैक ब्लॉक किया ये स्तब्ध रह गई थी। फाइनली बोलती, तुम ठीक हो, ये जो मैंने जेड क्रश किया ये मेरे टीचर ने दिया था, तो शायद अब उन्हें पता चल गया होगा, वो आते ही होंगे। बोलती, मेरे पास पिल्स है तुम्हारा वो पाम, तो वांगलिंग ने ऐसे शायद कलाई शुरू होती उतना पार्ट काटा, क्योंकि उतने में ही ग्लव्स बना था। हाइजी एक बोतल निकाल और वांगलिंग के पास जाती और ये पिल देने ही वाली, वांगलिंग आके खोलता, बोलता है जरूरत नहीं, और भाई वांगलिंग के पास थोड़ी कोल्ड थी, ये और 1000 फीट पीछे चला जाता। लेकिन इस दौरान लेफ्ट हैंड जो गायब हुआ था थोड़ा सा, पर ब्लडी लाइट चमकती और वो अपने आप पड़ा होने लगा। ये वांगलिंग का फिजिकल पावर था, एंशिएंट डाओ पावर जो मैंने इसे दिया था। हाइजी अभी चौक जाती कुछ बोलने वाली, पर तभी कुछ फील करती, जिन्होंने बैरियर बनाया तरफ ये देखती और हैरान थी, कुछ चेंजेस हो रहे थे। तो फिलहाल वो जो ब्रोकन पाम था वो लगातार इस फॉर्मेशन पे अटैक कर रहा, और ऐसा लग रहा था कि ब्रोकन पाम मानो एक मछली के समान हो, और उसके अटैक की वजह से फॉर्मेशन पे एक हथेली क्योंकि छप रही, तो जो लिखा हुआ था अब ये उसे देख पा रहे थे। और धीरे धीरे वो जो ब्रोकन पाम साइज भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा चंबित होते हैं। पहले 1000 फीट का था, अब 10,000 फीट का हो जाता, धीरे धीरे 1,00,000 फीट का हो जाता, फॉर्मेशन का सा पूरा घेर लेता है, पूरे इस फॉर्मेशन का सा हाथ में उठा लेता, उसे उठा करके आगे बढ़ने लगता। ये समझ में नहीं रहा था भाई ये कैसा अटैक है या ये क्या चीज है। इधर वांगलिंग का लेफ्ट हैंड तो आ चुका था, वांगलिंग को समझ में आ रहा था ये माउंटेन सी का जो ट्री सील है ये उस तरफ शायद बढ़ रहा है।
समय धीरे धीरे बीतता है। वांगलिंग का सोल आर्मर भी गायब हो चुका था और वांगलिंग अब काफी थक भी चुका था। और वांगलिंग इसे बोलता भी है हाइजी को, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टीचर इतना जल्दी मतलब इतने कम टाइम में हमें ढूंढ पाएंगे। हाइजी भी गुस्सा करती है इस पे कि तुमने मतलब तुम्हें वो क्यों चाहिए था यार ट्री स्पिरिट, उसकी वजह से हर चीज हुआ है। बट वांगलिंग बोलता अगर मुझे तुम्हें नहीं बचाना होता तो मैं तो भाग गया होता। धीरे धीरे 3 दिन निकल जाते, दोनों फिलहाल बात नहीं करते। हाइजी देख रही थी इधर उधर और वांगलिंग अपना कल्टीवेशन में लग जाता है, मतलब जो इसके पास वो टी स्पिरिट था उसे वो एब्जॉर्ब करने लगता है। अब हाइजी को क्योंकि लड़कियां भाई शांत रह नहीं पाती, फाइनली 3रे दिन के बाद ये बोलते हैं तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत स्ट्रेंज है, तुम्हारा पावर लेवल तो वॉइड टर्बुलेंट अर्ली फेज पे है बट तुम बैटल इंपेरियन एक्सॉल्ट लेवल पे कर पाते, मतलब बैटल प्रोवेस उस लेवल पे है और वुड एसेंस तुम्हारा बना भी तो वॉइड टर्बुलेंट लेवल पे लेवल बढ़ाना मुश्किल होता है। बट वांगलिंग कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद इसकी तरफ देखता और कहता कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। हाइजी हैरान थी कि यार इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, डर भी नहीं रहा ये, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब वांगलिंग फिर से शांत हो जाता है, आंखें बंद कर लेता और इसे इग्नोर मार देता और ये थोड़ा अलग ही मूव बनाती है। हाइजी फिर से बोलती कि मेरा ये फॉर्मेशन को इस ब्रोकन पाम ने डिवोर कर ले और ये मूव कर रहा है, हम कहाँ पर है हमें पता नहीं, तुम्हें फिर भी टेंशन नहीं हो रहा है। वांगलिंग फिर भी नहीं बोलता, हाइजी को और गुस्सा आता, ये बोलती कि यहाँ पर हम दोनों ही हैं, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम एक पेड़ हो और मैं खुद से बात कर रही हूँ। वांगलिंग खोलता है आंखें, इसकी तरफ देखता है और सोचता है भाई क्या करूं मैं। ये फिर बोलता है कि अगर तुम शांत रहो ना तो ये जगह कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हाइजी बोलती यार तुम फिलहाल ये दूर जाके थोड़ा 10,000 फीट के बैठ जाते। अब वांगलिंग कल्टीवेशन में लग जाता है। सी ड्रैगन आसपास एकदम वांगलिंग को देख रहा था और बीच बीच में ऑक्टोपस को। धीरे धीरे समय निकलते जाता है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ऐसा ऐसा करते 3 महीने निकल जाते, टोटल लगभग 4 महीने यहाँ पर गुजर चुके थे। वांगलिंग एक शब्द नहीं कहता, सी ड्रैगन बस ऑक्टोपस को घूरते रहता है इन 4 महीनों में। 4 महीने बाद हाइजी वापस आती और बोलती कि वांगलिंग यार कुछ तो गड़बड़ है, और ये वांगलिंग से 200 फीट की दूरी पे खड़ी थी। वांगलिंग भी देखता कि हाइजी थोड़ी फटीग दिख रही है, सुंदरता तो पूछो ही मत इस लेडी का। हाइजी इस बात से टेंशन में थी कि 4 महीने बीत गए और इसके टीचर अभी तक नहीं आ पाए, कि उन्हें अब तक तो पता चल ही क्या होगा कि मैं डेंजर में हूँ, वो प्रेडिक्ट कर पाते कि मैं कहाँ पे हो सकती हूँ डिविनेशन से। अब वांगलिंग इसकी बात सुनकर बोलता है देखो 3 पॉसिबिलिटीज है, पहला ये कि ब्रोकन पाम ऐसी जगह पर जा चुका है जहाँ पर तुम्हारे टीचर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दूसरा ये हो सकता है कि तुम्हारे टीचर जानबूझ के नहीं आए, तुरंत नहीं आए होंगे ऐसा। बट हाइजी नहीं मानती कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पहला पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकता, टीचर का कल्टीवेशन लेवल अलग है, वो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके टीचर का नाम था ग्रैंड इंपीरियन जीओडी और वांगलिंग जानता था क्योंकि इस लेडी ने जब वो पिल निकाला था ना तो उस पर डी लिखा हुआ था, डी आई। तो वांगलिंग बोलता है फिर तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो समय बीत रहा है वो बाहर से अलग हो, बाहर में शायद 1-2 दिन बीता हो, यहाँ पे ऐसे 4-5 महीने बीत गए हो। तो हाइजी को भी लगता है हाँ यार ये हो सकता है, शायद यहाँ पर 100 साल बीते तो बाहर में 1 दिन बीते, ऐसा भी तो हो सकता है। अब हाइजी टेंशन में देखिए यार ये लाइट कर्टेन जो फॉर्मेशन मैंने बनाया है ये बहुत टिकेगा ना, तो 50-100 साल से ज्यादा नहीं टिक सकते, ब्रोकन पाम हमें निपटा देगा। इधर जो इनका लाइट कर्टेन उसके अंदर में ये बैठे हुए थे वो 1,00,000 फीट से 90,000 फीट का हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। आवाज़ें वो अभी भी आ रही थी कि नॉन इमोर्टल एस्टल कॉन्टिनेंट के सोल्स तुम्हें तो सील करूंगा। अब वांगलिंग हाइजी को समझा लाइट कर्टन का साइज 1,000 फीट कर, मतलब छोटा कर दो तो पावर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देर तक हम रजिस्ट कर पाएंगे। फिलहाल दोनों अपने अपने बीच को अंदर रख लेते और लाइट कर्टन को 1,000 फीट कर देते। अब यहाँ पर 2 ही लोग थे, वांगलिंग और हाइजी, हाइजी एक कॉर्नर पे और वांगलिंग दूसरे, और वो भी अपना कल्टीवेशन में लग जाती। धीरे 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 6 महीने निकल जाते, मतलब एक तरह से 1 साल निकल चुका था। तो वांगलिंग के पास टोटल 6 माउंटेन टी स्पिरिट्स के सील्स थे या जो भी बोलो पावर, उसके साथ ये फ्यूज हो चुका था और इसका 5 एलिमेंटल बॉडी वुड एसेंस का एक कली सा खिल जाता है कि बड़ा होना शुरू हो रहा था। अब इतना साल भर लगभग बीत चुका, अब शांत नहीं रह पाती। ऐसी बोलती कि यार जब से कल्टीवेट कर रही किसी स्ट्रेंजर के साथ 1 साल नहीं रही, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारा नाम वांगलिंग, तुम कहां से आए हो, क्या सेक्ट है तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं पता। अब वांगलिंग कल्टीवेशन से जाग जाता है और बताता है कि यार मैं 7 डाओ सेक्ट से आया हूँ। हाइजी सोचती बट ऐसा नाम इसने कहीं सुना नहीं था। वांगलिंग बदले में बताता है यार बहुत छोटा सा सेक्ट है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में। और वांगलिंग को जब ये बताता है वो पुरानी चीजें याद आने लगती, थोड़ा सा होमसिक फील करता है और ये अपना बताती है कि मेरा तो कोई सेक्ट नहीं है, मैं बचपन से ही टीचर को फॉलो कर रहा हूँ, एम्परर माउंटेन पे ही मतलब बड़ी हुई हूँ, अगर तुम्हें कभी मौका मिला तो मेरे साथ चलना, वो लाल पत्तों से मतलब ढका रहता है। अब ये बोलती है कि तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि सदर्न कॉन्टिनेंट के जो ग्रैंड इंपीरियन डाउई है उन्होंने ट्राई तो किया होगा तुम्हें रिक्रूट करने, क्या तुम मान गए? वांगलिंग नाम से नहीं लाता। हाइजी थोड़ी आंखें ऐसे मटकाती एक दो बार, फिर बोलती कि मेरे टीचर बहुत अच्छे इंसान है, तुम क्यों ना उन्हें फॉलो कर लो। वांगलिंग बोलता नहीं मैं तो अभी नहीं सोच रहा हूँ। अब हाइजी पूछती कि तुमने कितने समय कल्टीवेशन किया, वांगलिंग का जवाब अलग रहता कि तुम्हारे इतना तो नहीं। हाइजी मुंह ढक करके हंसने लगती है और हाइजी बोलती है कि तुम्हारा पावर लेवल इंपेरियन एक्सॉल्ट लेवल पे, तुम्हें जल्दी भी नहीं है भागने, इसका मतलब तुम्हारी कोई डाओ पार्टनर नहीं, नहीं तो तुम चिंतित तो होते हैं। और ज्यादा हंस रही थी। अब वांगलिंग को समझ में आती है लड़कियां अजब ही होती है यार। वांगलिंग लेकिन इस दौरान फील करता है इस लड़की की औरा थोड़ी सी चेंज हुई है, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है बट वो समझ नहीं पाता। वे बोलते कि तुमने मेरे को बचाया भी, लुक मैं तुम्हें मतलब एज अ बिग सिस्टर किसी और से इंट्रोड्यूस कराऊ, मतलब ये लड़की वाले मामले में ये लड़की अजब ही थी। बोलती है तुम दिखने में ठीक ही हो, टेम्परामेंट भी तुम्हारा सही है, कल्टीवेशन थोड़ा लो है बट पावर लेवल तो इंपीरियल एक्सॉल्ट तक है।
वेरी गुड। क्यों ना फर, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो मैं तुम्हारे लिए एक डाउ पार्टनर ढूंढ दूंगी। मेरे साथ में बहुत लड़कियां हैं। अब वांगलिंग बोलते हैं, यार ये अपने चार्म स्पेल जो तुम एक्टिवेट की हो ना, इसे थोड़ा शांत कर लो। और वांगलिंग की आंखों में गोल्डन लाइट चमकती, उसका सप्रेशन फोर्स निकलता। आइजी इसकी तरफ देखती है और वांगलिंग बोलता है, देखो तुम्हें बात करना है ना तो मेरे इस स्लॉटर थंडर इसन स्टू बॉडी से बात करो। वांगलिंग उसे इन दोनों के बीच में प्रकट करवा देता है और बोलता है, मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब मत करो। अब इसका स्लॉटर थंडर बॉडी भाई वो तो अलग ही कोल्ड है, वांगलिंग से भी ज्यादा। वांगलिंग ही है ना, क्योंकि वो और स्लॉटर और ज्यादा फियर्स और कोल्ड होता ही है। अब ये हाइजी क्या ही करेगी, तो वो भी कल्टीवेशन में लग जाती है। वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी जो कल्टीवेशन में जा चुकी, वो हाइजी के बारे में सोचता है, यार ये बंदी के बारे में कुछ तो अलग है, क्योंकि जब ब्रोकन पाम बाहर निकला था तो इस लेडी पर अटैक किया, मतलब इसके पीछे कुछ तो सीक्रेट है। लगता है यार कि इस लेडी के अंदर दो सोल्स है, मतलब हल्का सा फील होता है बट उतना नहीं सोचता ही है। धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं, वांगलिंग के बॉडी में वुड एसेंस बढ़ते जाता है। 4 स्पिरिट्स को ये अब्सॉर्ब कर चुका है, इसका वुड एसेंस स्मॉल कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाता है। वांगलिंग के स्किन पर चमड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हरा रंग आने लगता, मतलब पौधों के जैसे नसें होती ना कुछ वैसा। आईजी भी कल्टीवेशन में थी, उसका एक्सप्रेशन बदलता है, अब क्या कल्टीवेट कर रही है पता नहीं। और लाइट कर्टन को लगा था वो पाम हिट करते रहता था और 1000 फीट का था ये, अब इन 3 सालों में सिकुड़ने लगता है। 3 साल के बाद 4 महीने और निकल जाते हैं और जो वो पाम हिट कर रहा था लगा था उसकी वजह से लाइट कर्टन में साउंड्स आ रहे, तो वांगलिंग कल्टीवेशन से जाग जाता है। कर्टन सिकुड़ के 500 फीट का हो चुका था, हाइजी भी जाग चुकी थी। 500 फीट मतलब दोनों बहुत करीब आ चुके थे, शायद ये अब ज्यादा समय टिक नहीं सकता था। हाइजी के अंदर जो थोड़े चेंजेस आए, अब वो जो कल्टीवेशन की थी फिर से पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। अब देखो बाहर जो समुद्र का पानी था वो तो ब्लैकिश कलर का हो गया। वांगलिंग को ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो है, एक ब्लरी फिगर जो इनकी तरफ देख रहा है उस डार्कनेस के अंदर से। और वांगलिंग को थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील होता है और वांगलिंग फील करता है वो इसी को घूर रहा है, ऐसा 3 साल से कर रहा है। वांगलिंग यही सोचता था ये ब्रोकन पाम अटैक तो है बट किसका है। वांगलिंग मूव करता है, इसी थोड़ी और पैनिक करती है। वांगलिंग से मना करता है, मुझे फॉलो मत कर, तुम्हें लगे कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है तो मुझे तुरंत जगा देना। वांगलिंग बैरियर के करीब जाता है, इनफेक्ट से बस पीछे था, बस जो ब्लरी फिगर था ना बाहर में कन पाम के आसपास या जो भी, वो इसकी तरफ मूव करता है उस बैरियर की तरफ, वो भी इनफेक्ट पहले रुक जाता है। मतलब वांगलिंग में और उसके बीच का डिफरेंस 6 फिट का था, बीच में ये बैरियर था और वो जो ब्लरी फिगर था बिना चमड़ी के था, मतलब हड्डी कंकाल जैसा। और वांगलिंग उसका फेस तो थोड़ा बहुत देख ही लेता है और इसे विश्वास नहीं होता है, मतलब इसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। अब उस बंदे की जो आंखें थी उसके अंदर से मानो एक स्ट्रेंज लाइट निकल रहा था कि वांगलिंग की आंखों को ऐसा लग रहा था पेनेट्रेट कर देगा, भेद देगा। वांगलिंग ऐसा लगता है कि वो उसका माइंड पे खुद का कंट्रोल ही हट रहा है, क्योंकि सामने वाले की आंखें ऐसी थी मानो जो इटर्नल हो और ये वांगलिंग के माइंड में गूंजने लगता, वो मानो बुला रहा हो वांगलिंग को, कम कम। और वांगलिंग इस आवाज को मतलब ऐसा रजिस्ट करने की कोशिश करता है और ये जाग जाता है। हाइजी बहुत पैनिक कर रही थी जो कि वांगलिंग के करीब आ चुकी थी। वांगलिंग बोलता है मैं ठीक हूँ, तब वांगलिंग जो था ना अपने आप आगे बढ़ने लगता है, आवाज ऐसी थी, अब ये बैरियर से 1 फिट की दूरी पे था, ये जागता है। तो वांगलिंग जब जाग जाता वो ब्लरी फिगर ना फिर से लाइट कर्टन पे पाम अटैक मारता, लाइट कर्टन ब्रेक नहीं कर पाता। वांगलिंग उस चेहरे को पहचान चुका था, वो कोई और नहीं सेलेस्टियल एंसेस्टर थे, क्योंकि वांगलिंग ने सेलेस्टियल एंसेस्टर को पहले भी देखा था, जैसा वो हेवनली बुल को सील किया था तो वांगलिंग जब उस ऑरा में पहुंच गया तो उसने देखा था उन्हें, दूसरी बार ये देख रहा था। लाइट कर्टेन और छोटा होने लगा, 300 फिट का हो चुका था। अब वो जो भी थे एंसेस्टर या जो भी फिगर थोड़े अभी शांत हो जाते हैं। आईजी बोलती है यार ये लाइट कर्टेन अब ज्यादा देर तो टिक नहीं पाएगा। और वांगलिंग को लगता है यार उस ब्रोकन पाम तो सीक्रेट है, नहीं तो सेलेस्टियल एंसेस्टर क्यों प्रकट होते। और वांगलिंग अब पूछती है आईजी क्या तुम सेलेस्टियल एंसेस्टर के बारे में जानती हो। आईजी ने उस सीन को नहीं देखा तब अभी जो वांगलिंग ने देखा। आईजी बोलती है हाँ टीचर ने एक बार मेंशन किया था कि बहुत पहले सेलेस्टियल क्लैन एक ही कॉन्टिनेंट में था, सेलेस्टियल एंसेस्टर 72 सोल्स को यहाँ पर सील किया और 72 भाग में कॉन्टिनेंट को बांट दिया, और 72वें सोल को सील करने के बाद सेलेस्टियल एंसेस्टर मिसिंग हो गए, ऐसा मेरे टीचर ने बताया है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए, इवन उनके मतलब पोते पर पोते जो भी हो उन्हें भी नहीं पता। बट फिर बोलती कि टीचर मेरे कभी कभी कहते सेलेस्टियल एंसेस्टर मिसिंग नहीं है, शायद उन्हें कुछ मिला, टीचर इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। अब वांगलिंग अपना गेज करते हैं, ये जो हाथ कटा हुआ सेलेस्टियल एंसेस्टर का ही है, लेकिन उनके हाथ को कौन काट सकता है, शायद ये लेफ्ट हैंड था। फिर कुछ लोग उनके तलवार के टूटने की बात करते हैं, तो क्या इस हाथ से रिलेटेड है वो, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये सील यहाँ पर बहुत पहले से ग्रैंड इंपीरियन ने नोटिस तो किया ही होगा, और ये एरिया बेसिकली डाउवी का था, इंपीरियन डाउवी का, उन्हें पता तो होना चाहिए। तो इसे डाउट होता है कि कुछ तो बात है। वांगलिंग अपना कैलकुलेट कर रहा कि ग्रैंड इंपीरियंस को पता था लेकिन यहाँ पर आने में शायद वो भेज सकते। अब वांगलिंग कुछ और कैलकुलेट कर और हाइजी को बोलता है तुम्हारे टीचर ग्रैंड इंपीरियन ज्यूटी है जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे रहते, तो तुम इतना दूर यहाँ पे क्या कर रही हो। हाइजी बोलती है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो। हाइजी बहुत होशियार थी, वांगलिंग समझ जाती। वांगलिंग इसे अब कुछ बोलता है, इसके तरफ देखता है, लेडी थोड़ा सोचती है, इसे कुछ समझ में आता, आंखें थोड़ी चमकती है और बोलती है मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पर भेजा था कि तुम सदर्न कॉन्टिनेंट चली जाओ, माउंटेन सी में अपना गुफा बनाओ। तो वांगलिंग का जो स्पेकुलेशन मतलब जो ये सोच रहा था शायद वो सही। अब वांगलिंग हाइजी के बारे में सब सोच ही रहा तभी आईसी बोलती तुम्हें ये कैसे पता चला कि यहाँ पर ट्री स्पिरिट है। वांगलिंग बताता है कि मुझे ग्रैंड इंपीरियन वू फैंग के अंडर में जो एक बंदा है, एक इंपीरियन एक्सॉल्ट है वो भी,
उसने बताया था। भाईजी भी सोचने लगती कि यार मेरे टीचर ने मुझे यहाँ भेजा, वुफेंग ने भी तुम्हें यहाँ भेजा, ग्रैंड इंपीरियन वुफेंग डिसाइपल ने, तब कहीं ना कहीं उसमें वुफेंग कहाँ था, और फिर ये एरिया लेकिन एक्चुअली में ग्रैंड इंपीरियन डाउई का है, तो मैटर क्या है। वांगलिंग स्माइल करता कि हाइजी को अब समझ में आ रही है चीजें। हाइजी हैरान थी कि टीचर क्या मुझे एक बेट की तरह यूज कर ताकि वो ब्रोकन पाम को निकाल पाए, बट फिर बोलती अगर टीचर मुझे यूज भी कर रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है, उन्होंने ही मुझे पाला है। लेकिन मेरा छोड़ो, वुफेंग ने, ग्रैंड इंपीरियन वुफेंग ने तुम्हें क्यों इन्वॉल्व किया। वांगलिंग न्यूट्रल था, वो इस चीज को गेस तो कर चुका था, ये जानता था कि नॉर्मल कल्टीवेटर से पहचान नहीं सकते, बेन एक्सॉल्ट भी नहीं पहचान सकते, ग्रैंड इंपीरियंस भाई अलग होते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी आइडेंटिटी जाननी है, मैं कौन हूँ। उनका मेन मकसद ये कि उन्हें ये जानना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एंशियंट कंट्री का कल्टीवेटर हूँ, चाहे मैं केव वर्ल्ड से हूँ या कहीं से हूँ, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ा, बस मैं एंशियंट कंट्री का कल्टीवेटर नहीं होना चाहिए। वांगलिंग का मतलब डिडक्शन जो था, जो ये माइंड में चीजें कैलकुलेट करता था कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, वो हमेशा सही होता था। 3000 साल के आसपास का इसका धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस हो चुका था, मतलब जो क्लूज मिलते थे इसे ये सही जोड़ पाता, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वांगलिंग मेरे से मिला था, जैसे सीआईडी के एपिसोड्स दिखाए थे, ऐसे भी प्रद्युमन की वजह से बहुत चीजें सीख गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग सोचता है कि इसके टीचर जुआन लो, गोई सेक्ट को तो बता ही दिया, लेकिन वो जानता था गोई सेक्ट वाली चीजों को रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि इसके टीचर कॉन्फिडेंट होंगे, तभी तो उन्होंने उन्हें बताया था। और वांगलिंग ये सब चीजें सोचने के बाद अब हाइजी की तरफ देख रहा था। अभी अपना छोड़कर जीओडी के बारे में सोचती, जीओडी इस लड़की को यूज करता, इस लड़की के अंदर कुछ तो खास है, और ये शायद श्योर भी हो रहा था, बट कुछ डाउट्स अभी भी थे। वांगलिंग जानता था कि कल्टीवेशन बढ़ाना ज्यादा जरूरी, समय बीतता है, 3 साल और गुजर जाते, पूरा अगर समय मिला लो तो वांगलिंग और हाइजी यहाँ पर 7 साल से फंसे हुए। वो ब्लरी फिगर टोटल अब तक 9 बार प्रकट हुआ था, हर बार अटैक करता, धीरे धीरे समय बीत रहा और लाइट कर्टन में क्रैक्स आने लगा, और धीरे लाइट कर्टन का साइज ज्यादा नहीं रहेगा, 30 फीट दोनों, क्योंकि हाइजी और वांगलिंग बहुत करीब। फिर वांगलिंग मतलब इस लेडी के बॉडी फ्रेगनेंसेस, जो स्मेल आता है वो भी मतलब सूंघ सकता था। वांगलिंग अपना यिन ब्लेड निकाल, वो 30 फीट लंबा रहता है। अब क्योंकि दोनों काफी करीब थे तो हाइजी कल्टीवेट नहीं कर सकती थी, थोड़ी अनकंफर्टेबल भी थी, और वांगलिंग का भी सेम हाल था, और हाइजी को गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये जगह बहुत छोटा हो चुका है, ये टूटने भी वाला है। वांगलिंग भी थोड़ा सा लेडीज के मामले में अलग ही था, बहुत कम लेडीज इसके साथ ही थी, इतना किसी स्ट्रेंजर के कभी क्लोज नहीं आया था, तो वो भी अनकंफर्टेबल था। दूसरा कि भाई हाइजी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, मूविंग में जैसे, और ये जानता था कि भाई ये सही नहीं है। रेड कर्टन लगातार उस अटैक की वजह और छोटा होने लगा, धीरे धीरे 10 फीट के रेंज में आ जाता, 5 फीट। दोनों एक तरह से एक दूसरे के आसपास खड़े, अपने मतलब एक दूसरे की बॉडी टेम्परेचर भी फील कर सकते थे क्योंकि कल्टीवेटर्स है। और जो ब्रोकन पाम था अटैक करना अचानक से बंद कर देता, हाइजी एकदम धीरे धीरे बोल रही, अंधेरा तो था कि वांगलिंग, बट वांगलिंग से बोलता है शांत रहो, क्योंकि जो शैडो बन रहा था ना उस ब्रोकन पाम की वजह से वो इसे घूर रहा था, और ये बोलता है कि देखो कर्टन ब्रेक करने वाला, जैसे वो फटेगा फोर्स को यूज करना ऊपर जाने के लिए, जब हम बाहर निकलेंगे ना तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज करेंगे, मैं जितना गेस कर रहा हूँ कि तुम्हारे टीचर अब तक तो आ ही गए होंगे, और ये सब ये मैसेज भेजता है इसे। हाइजी मान जाती है, अब हाइजी कुछ हैंड सील्स बनाता और कर्टन को थोड़ा ऊपर मूव करने को देखता, जैसे ऊपर मूव करती है इसके फ्रेगमेंट्स कोलैप्स करने लगते और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, तुरंत ही अपने अटैक को लॉन्च करना शुरू कर, इसी वही अपना 90 स्पेल्स वाला ओवल सील बनाती और ब्रोकन पाम पर अटैक कर देती। अटैक की वजह से शैडो पीछे जाने लगता है, और इस समय ये जो माउंटेन सी का एरिया था इसके ऊपर में 3 लोग उड़ रहे थे और इन्हें कोई बाहरी देख भी नहीं सकता, नॉर्मल कल्टीवेटर, क्योंकि ये ग्रैंड इंपीरियंस थे। इनमें से एक जो था उसने डाओ रूप पहना था, यंग मैन था, 20 साल का लग रहा था, काले बाल, ये था ग्रैंड इंपीरियन डाओई। ऐसे थोड़ी दूरी पर दूसरा फिगर मिडिल एज मैन, डाओई से थोड़ा लंबा था, नॉर्मल कपड़े पहने और हाथ मतलब कमर पे था, पीछे था ये बाल्ड था, गंजा था, ये थे ग्रैंड इंपीरियन वुफेंग। मानो डाओई के ऑरा का इन पर कोई इफेक्ट नहीं, ये इतने पावरफुल थे। तीसरे बंदे थे कोल्ड मैन, जिन्होंने ब्लू रोब पहना था, और ये थे जीओडी। डाओई स्माइल करते कि जीओडी तुम्हारे डिसाइपल ट्रबल में है। जीओडी जो थे, जो 5 ग्रैंड इंपीरियंस है सेलेस्टियल क्लैन, उनमें सबसे ओल्डेस्ट है। हाँ, ये ज्यादा कि सेलेस्टियल एंसेस्टर के समय से। ओल्ड मैन जीओडी बोलते कि अगर तुम नहीं होते ना मेरे डिसाइपल कब के निकल चुकी होती, तुम दोनों की वजह से। डाओई स्माइल करते और बोलते नहीं, इस वांगलिंग का इंप्रेशन बहुत सही है मेरे लिए। वुफेंग भी बोलते हाँ यार, बट मुझे वही डाउट है कि जुआन लुओ एक बार सेलेस्टियल क्लैन आया, बस ये बंदा जुआन लुओ से रिलेटेड नहीं होगा तो सब सही है, ऐसा डाओई बोलते हैं। वुफेंग भी मतलब सीरियस थे। ओल्ड मैन भी सरप्राइज होते और देखते हैं पूरा बैटल, ये लोग एक तरह से देख रहे थे। ब्रोकन पाम उस ओवल अटैक की वजह से कोलैप्स कर जाता, लेकिन फिर बन जाता। वांगलिंग जोरान अपने हेवनली बुल टैटू को यूज करता, जानता था कि बाहर में ग्रैंड इंपीरियंस है, और बोलता ठीक है तुम मेरे स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो ना, मेरे ओरिजिन को जानना चाहते हो, तो ठीक है देख लो, अच्छे से देख लो। वांगलिंग अपने राइट हैंड को मूव कर, स्पेस का मानो कलर चेंज होने लगता है, एक मानो गोल्डन सन उग रहा हो, मतलब खिल रहा हो, चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। और वांगलिंग अपने फेथ पावर को यूज करता, बोलता है कि तुम लोग मुझे देखना चाहते हो, देख लो मैं डार्कनेस को छांट दूंगा, मतलब अलग कर दूंगा, और मैं इस पूरे पृथ्वी पे चमकूंगा, मेरे दुश्मन बिखर जाएंगे। तो वो जो सूर्य की किरण थी, जो कि एक तरह से वांगलिंग था सन, वो राइज होने लगता है, और इस समय जो सनलाइट था फैलने लगा पूरे माउंटेन टी जो ये एरिया था उधर भी, ब्लैक होल को मानो इग्नोर करते, माउंटेन सी जहां पर था वो ट्री स्पिरिट उधर बढ़ जाता है। डाओई, वुफेंग और ज्यूडी से फील करते और हैरान थे कि फेथ स्पेल, यार ये इंपीरियन एक सॉल्ट कल्टीवेटर है बस,
और ऐसा फिथ पावर ओल्डमैन जीओडी भी हैरान। वांगलिंग इस दौरान पाम को रोक देता है, एक तरह बाहर निकलने लगा, ऐसा एक्टिंग करता है मतलब कि उसने तीनों ग्रैंड इंपीरियंस को देखा भी, हाइजी भी इसके साथ में थी। लेकिन धीरे धीरे फिर से वो पाम अटैक बाहर निकल रहा था, लेकिन जीओडी ने ऐसा पानी को मूव किया था और एक सी वाटर का पाम अटैक बना के उस ब्रोकन पाम को काउंटर कर देते। ब्रोकन पाम फिर से रुक जाता है और हाइजी भी अब बाहर आ चुकी। ब्रोकन पाम फिर से उस शैडो में बदल और हाइजी को इग्नोर करके इन तीनों की तरफ पड़ता। हाइजी अपने टीचर को देख के खुश थी और देखती उस तरफ जिधर वांगलिंग है, और मतलब वो एक निराशा टाइप में जो आता है कि यार ऐसा वाला एक्सप्रेशन देती है। इधर वांगलिंग अपना माउंटेन सी के एज की तरफ प्रकट होता है, वर्ल्ड के साथ मर्ज होता है और गायब हो जाता है। अब जब माउंटेन सी कॉन्टिनेंट से बहुत दूर निकल जाता तो ये प्रकट होता है, और वांगलिंग जब उस समय बाहर निकला था ना, इसे पता था तीनों ग्रैंड इंपीरियंस यहीं पर है। सोच रहा था कि ब्रोकन पाम का तो सीक्रेट है, इसको फायदा भी अच्छा खासा वहां पर हुआ। ट्री स्पिरिट्स तो मिले थे, साथ में वो सेलेस्टियल एंसेस्टर के स्वर्ड का दूसरा टुकड़ा भी मिल चुका था। वहां पर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया क्योंकि वो लेडी वहां पर थी, उसके बॉडी का स्मेल आ रहा, तो वांगलिंग को वैसे भी निकलना था। वांगलिंग के हिसाब से क्योंकि उन तीनों ने इसे जाने थी, मतलब वो इसे पहचान नहीं पाए, द सेंस की ये सेलेस्टियल कल्टिवेटर ही है। वांगलिंग चार ट्री स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर चुका, बॉडी सेंस इसका बन रहा था। अब क्या इसे ये दोनों को एब्जॉर्ब कर सेंस टू बॉडी बना पाएगा, यही ये सोच रहा था। बट इसे लगता है कि वुड एसेंस थोड़ा अलग है, एब्जॉर्प्शन जो था बहुत स्लोअर था, पूरी तरह से वांगलिंग का ही हुआ नहीं था। फिलहाल इन दोनों को भी एब्जॉर्ब करने लगा कि फ्यूचर में धीरे धीरे मतलब रिफाइन होते रहेंगे। इसका मेन फोकस था स्वॉर्ड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर। वांगलिंग इसे निकाल, इसकी आंखों में भी स्वॉर्ड फ्रेगमेंट मानो चमक रहा था जो इसकी बॉडी में बहुत पहले से मर्ज था। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, स्वॉर्ड फ्रेगमेंट गलने लगा और उसके आंखों में मतलब एब्जॉर्ब होने लगा। समय बीत रहा था और वांगलिंग अपना कल्टिवेशन में था। 7 दिन निकल जाते, ऑटम का समय था टाइप, तो थोड़े पत्ते बिखर रहे थे, गिर रहे थे, 7 दिन ही बीते, बट वांगलिंग के लिए मानो सालों बीत चुके, ऐसे कल्टीवेशन स्टेट में था ये। बेसिकली इसके माइंड में 2 स्वॉर्ड फ्रेगमेंट्स ये फील कर पा रहा था, वो फ्यूज हो रहे थे, और इनके फ्यूजन के बाद एक छोटा सा गोल्डन स्वॉर्ड प्रकट होता 1 फीट का, इसके अंदर एक अलग प्रेशर था। 8वें दिन वांगलिंग आंखें खोलता, गोल्डन लाइट इसका पहले से बहुत बढ़ चुका था, सप्रेशन फोर्स भी ऑब्वियसली बढ़ चुका था, और गोल्डन लाइट लीक भी नहीं होती, समय के लिए रिलीज होती है फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये था सप्रेशन पावर। इसे इतना समझ में आता है कि जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का स्वॉर्ड उसमें जो मेटल एसेंस का पावर था वो पीक का था, और इसके बॉडी में अब मेटल एसेंस प्रकट हो चुका था। अब वांगलिंग 98 आफ्टर इमेजेस प्रकट कर एक फेस्ट अटैक बनाता और इस ऑरा को ट्राई करता। मतलब वांगलिंग जब माउंटेन सी नहीं गया वो 9 स्पेल्स को एक अटैक में फ्यूज कर पाता, 10वां वर्टेक्स भी बनने लगा था, इसके हिसाब से 10 से ज्यादा भी बनाया जा सकता, और अपने फोर्स को जब पूरा ट्राई करता तो 11वां बना ले। अपनी ओरिजिनल बॉडी से अब ये 11 स्पेल्स फ्यूज कर सकता है, और जब इसे एसेंस टू बॉडी यूज करे तो 44। इसके पास 4 एसेंस टू बॉडीज है, हालांकि उसको इसने मर्ज कर दिया, बट फिर भी आफ्टर इमेजेस वाला अलग चीज। तो वांगलिंग एक अलग मेथड ढूंढ लिया स्पीड के दम पर, बट असली फ्यूजन जो करते हैं एम्पिरिनिक सॉल्ट एक अटैक में जो स्पेल्स फ्यूज करते, अब वैसा वांगलिंग 44 कर सकता था। और वांगलिंग के पास स्पेशल एसेंसेस थे, इथेरियल एसेंसेस भी थे, वो इस पावर को बढ़ा सकते, वांगलिंग जानता था, तो वो उनका भी पावर यूज करता, तो 12वां वर्टेक्स बना लेते, 13वां, 16 आर्मर अगर यूज करे तो फिर छोड़ ही दो, 13 अगर स्पेल्स एक बार में बने एसेंसेस टू बॉडीज तो 52। तभी एम्पीरियल ट्रायल नहीं जाना चाहता था, इसका मकसद था डोंगलिंग सेक्ट जाना, कि जो इसने इल्यूजन में देखा था डोंगलिंग पुल अगर वैसा ही होगा तब तो मजा आ जाएगा, इसके एसेंसेस टू बॉडीज अच्छी खासी बन सकती है। उसके बाद ये सेलेस्टियल क्लैन जाएगा इंपीरियल सिटी, और उसके बाद एंशिएंट कंट्री अपने टीचर से मिलने, प्रॉमिस पूरा करने। फील भी ये कर रहा था कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, वानर को फिर से याद कर, ग्रैंड इंपीरियन बनने के मैं तुम्हें खुद रिसरेक्ट करूंगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं, बहुत करीब है वानर। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।